हेलो दोस्तों, टेक और ट्रेंड्स में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सबसे पहली न्यूज नजर आ रही है मी की तरफ से। दोस्तों मी ने अपना पावर बैंक 3 लॉन्च कर दिया है चाइना में, जिसमें आपको सुपर फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी और ये क्विक चार्ज सपोर्ट भी करता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी जा रही है, जिसमें आप काफी फास्ट चार्ज कर सकते हो मोबाइल को भी और अपने पावर बैंक को भी। बताया जा रहा है कि पावर बैंक 7 से 8 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा, जिसकी कैपेसिटी 30,000 mAh है। जी हाँ दोस्तों, 30,000 mAh की कैपेसिटी इस पावर बैंक की, और एक्सपेक्टेड प्राइस अगर चाइना से कंपेयर किया जाए तो इसकी इंडियन रुपीस में निकल कर आती है करीब 1800 रुपए। तो दोस्तों देखते हैं इंडिया में मी कब इस पावर बैंक को लॉन्च करता है और किस प्राइस में करता है। दोस्तों अगली न्यूज़ नजर आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। दोस्तों व्हाट्सएप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिसको यूज करके आप अपने व्हाट्सएप को 4 अकाउंट्स में एक साथ एक्सेस कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ट्विटर में एक ट्वीट किया गया, उसमें एक फोटो थ्रू ये बताया गया है कि आप व्हाट्सएप को 4 डिवाइसेस में एक साथ यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये लॉन्च होता है तो बहुत ही अच्छी न्यूज है, आप 4 डिवाइसेस में एक साथ अपने सेम व्हाट्सएप को एक्सेस कर पाओगे। अभी आपको बता दें कि अभी आप एक साथ 2 डिवाइसेस में सेम व्हाट्सएप अकाउंट को आप एक्सेस नहीं कर सकते। दोस्तों अगली न्यूज अगर आ रही है गूगल मैप्स की तरफ से। गूगल मैप ने एप्पल मैप्स में एक नया फीचर अनवील किया है, जिसमें आप अपने जो नियर बाई है उसमें ट्रांजेक्शन देख सकते हो। यानी कि दोस्तों आप जो नियर बाई में जो भी चीज हो रही है, व्हीकल, फूड, रेस्टोरेंट और जो लाइव ट्रैफिक जो भी हो रहा है, उसको और एड ऑन करके काफी एक्स्ट्रा फीचर लॉन्च कर दिए हैं। पर दोस्तों आपको बता दें कि ये केवल अभी एप्पल मैप्स में इसको अनवील किया गया है। जल्दी ही उम्मीद करते हैं कि इस फीचर को जल्दी ही एंड्रॉयड फोन्स के लिए भी लाया जाए, जिसमें आप और एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ गूगल मैप्स का काफी अच्छे से यूज कर पाए। दोस्तों यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है शाओमी की तरफ से। दोस्तों शाओमी जल्दी ही अपने कुछ गेमिंग मॉनिटर लॉन्च करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी रिफ्रेश रेट होगी 165 Hz। जी हाँ दोस्तों, 165 Hz की रिफ्रेश रेट की गेमिंग मॉनिटर इसको हम कह सकते हैं, उनको लॉन्च बहुत ही जल्दी करने वाला है। दोस्तों देखते हैं कि शाओमी इन गेमिंग जो डिस्प्लेज हैं और जो गेमिंग मॉनिटर हैं उनको कब इंडिया में और किस प्राइस में लॉन्च करता है। अगली न्यूज़ अगर आ रही है रिसर्चर्स की तरफ से। दोस्तों रिसर्चर्स ने काफ़ी अच्छी एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है और उस पर डेवलपमेंट पर काम चल रहा है। इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया है लैम्प फोन। दोस्तों इससे होता क्या है कि आप एज्यूम कीजिए कि आप यहाँ पर किसी से बात कर रहे हैं इस कमरे में, और उस कमरे में सिंपल एक बल्ब लगा है, और दोस्तों आपसे कुछ मीटर दूर, 100-200 मीटर दूर एक और पर्सन बैठा है और वो आपकी आवाज को सुन सकता है बिना किसी डिवाइस के। दोस्तों वो कैसे रहा है आपको हम बता दें कि जो बल्ब लगा है उसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपके साउंड वेव्स हैं उसको कैप्चर करेगा, और जो रिसीवर होगा उसके पास एक डिवाइस होगी जो कि उन साउंड वेव्स को जो कि बल्ब थ्रू रिसीव की जाएंगी, वो रिसीवर उस डिवाइस के थ्रू उसको रिसीव करेगा, और जब उन वेव्स को रिसीव करेगा तो उसको थोड़ा सा कंपोज करके और थोड़ा सा उसमें एड ऑन करके आपकी सारी बातों को सुन सकेगा। दोस्तों अगली न्यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब की तरफ से। दोस्तों एक रेडिट यूजर ने एक ट्रिक निकाली है यूट्यूब के लिए। दोस्तों जैसा कि आप यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोज देखते होंगे, पर दोस्तों आपको कभी कभी एड मिलते हैं और मोस्टली हर वीडियो में आपको एड दिखाई पड़ते हैं अगर आप यूट्यूब प्रीमियम मेंबर नहीं है तो। बट दोस्तों रेडिट यूजर ने एक ट्रिक कह लें या कुछ हैक कह लें तो एक ऐसा डेवलप किया कि अगर आप उस URL में www.youtube.com और इसके बाद अगर आप डॉट लगा दें और फिर स्लैश उस वीडियो का लिंक आप उसमें डाल दें, तो इसके बाद क्या होगा, एक नया पेज खुलेगा और आप जो भी वीडियो उसमें देखना चाहते हो वो बिना ऐड के देख पाते हो। अभी दोस्तों मैंने भी ट्राई किया और ये हो रहा है, वर्किंग कर रहा है अच्छी तरीके से। अब दोस्तों ये होस्ट ले रहा है कि बहुत सारी कंपनीज अपना जो होस्ट नेम होती हैं उसको अपने मेन डोमेन में ही रखती हैं। अब जो एड्स लगाए जाते हैं वो उस होस्ट नेम पे लगाए जाते हैं जो कि ओरिजिनल होता है, और जो डॉट जहाँ पे हम लगा रहे हैं उसको ये आइडेंटिफाई नहीं करती हैं। तो दोस्तों इस वजह से जो डॉट लगाने से इसकी एड्स के सिस्टम है वो यहाँ पर काम नहीं कर पाता है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर एड्स नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों आप भी इसको ट्राई कीजिए, लेकिन आपको बता दें कि ये केवल
वेब वर्जन में काम करेगा, आप इसको फोन में नहीं कर सकते। अगर आप क्रोम में भी करना चाहते हो आपको डेस्कटॉप मोड ओपन करके इसको करना पड़ेगा। दोस्तों आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों सबसे पहला फैक्ट निकल कर आ रहा है अमेजोन जंगल की तरफ से। दोस्तों क्या आपको पता है कि अमेजोन जंगल पूरे वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसे ये पता होगा कुछ टाइम पहले अभी अमेजोन जंगल में आग लग गई थी और लगभग काफ़ी अमेजोन जंगल में काफ़ी एनिमल्स मर गए थे और काफ़ी प्लांट्स खत्म हो गए थे, जल गए थे। पर दोस्तों आपको बता दें कि जो अमेजोन जंगल है वो वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन जनरेट करता है, तो ये बहुत बड़ा नंबर निकल कर आता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो मेड इन चाइना स्टिकर्स जो होते हैं, आपने कई चीज़ों में लगे हुए देखे होंगे मेड इन चाइना स्टिकर्स। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो मेड इन चाइना स्टिकर्स हैं वो स्टिकर्स एक्चुअली मेड इन कोरिया होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा मेड इन चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें मेड इन चाइना का जो स्टिकर लगा हुआ होता है वो स्टिकर एक्चुअली कोरिया में बनता है। तो दोस्तों आप एज्यूम कीजिए कि जो चाइना की ब्रांडिंग है उसी को ही कोरिया में बनाया जा रहा है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आप अपने डेस्कटॉप में या पीसी में कौन फोल्डर को क्रिएट नहीं कर सकते? जी हाँ दोस्तों, अगर आप CON नाम का फोल्डर अगर आप अपने पीसी या डेस्कटॉप में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो आपको एरर दिखाएगा। अभी दोस्तों होता इसलिए क्योंकि जो विंडोज होता है वो विंडोज अपने कुछ फाइल्स या कॉमन फोल्डर में कुछ ऐसी फाइल्स को अलाउ करता है जो फाइल्स रेस्ट्रिक्टेड हैं नॉर्मल यूजर को एक्सेस करने के लिए, और कुछ फाइल्स कॉमन फोल्डर में ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं जो कि काफ़ी सिक्योरिटी रहनी जरूरी है। तो दोस्तों इस वजह से अलाउ नहीं करता विंडोज कि आप कौन फोल्डर जनरेट करें। और दोस्तों आपको हम बता दें ये पॉसिबल हो जाता है जब आप कुछ ट्रिक्स लगाते हैं, जैसे कि आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस है। तो दोस्तों ये थी आज की टेक न्यूज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके दोस्तों कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।